हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो ऐसे वक्त के 7:28 हुए हैं और गाइज मैं भी उठ के जो है नहा धो के जो फ्रेश हो गया हूँ। तो गाइज इसका पता क्या, आज शिवरात्रि, तो सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसका पता क्या, आज शिवरात्रि और आज तुम्हारे भाई ने जो है व्रत रखा है। और ये देखिए यहाँ पे जैसा देखते हैं, ये छिलके संतरे और केले के, तो आज मैंने जो है मतलब केले और संतरे खाए अभी। जैसे कि पता है कि आज जो है मतलब मंदिर में जो है घोटा बनाया जाएगा और वहाँ पे जो है मतलब भांग की बर्फी बनाई जाएगी और बहुत ज़्यादा लोग जो है दूर दूर से आएंगे और घोटे का आनंद लेंगे। आज जो है मंदिर में जो है शिव शक्ति मंदिर में जो है आज बहुत बड़ी मात्रा में जो है लोग आएंगे और शिव शंकर की पूजा अर्चना करेंगे। और दिन को तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है मंदिरों में शिव शंकर की, और कई लोग जो अपना व्रत जो है शिव शंकर के मंदिर में भी तोड़ेंगे और कई जो घर पे भी तोड़ सकते हैं। आज देखते हैं, अभी मेरा भी मूड बन रहा है मंदिर जाने का। तो यहाँ पे हमारे जो पास में जो एक मंदिर है कौनीपुर, वो जोधपुर द्वार से पीछे पड़ता है कौनीपुर का मंदिर, जहाँ पे जहाँ का मैंने ब्लॉग आपको एक बार बताया भी था वो मंदिर का। तो हम वहाँ पे आज जा सकते हैं, देखते हैं वहाँ पे आज रात को जाएंगे। वैसे भी 3:42 हुए हैं और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं जो है अभी शिव शंकर के मंदिर जाऊँगा, जो कि यहाँ पे कौनीपुर के पास है, जो कि बुधवार से पीछे पड़ता है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो जल्दी आज मिलता हूँ आपसे। तो गाइस हमने सोचा कि अभी हम मंदिर नहीं जाएंगे और हम जो मंदिर जो है रात को जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं तब तक कॉलेज यहाँ का, और फिर आपसे मिलते हैं रात को मंदिर में। तो गाइस हम पहुँच गए यहाँ पे कौनीपुर, जो बुधवाड़ा का जो कॉलेज है, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और आज आपको बताएंगे बुधवाड़ा का कॉलेज। और ये जो कॉलेज पड़ता है ये बुधवाड़ा के पीछे पड़ता है, यानी कि कौनीपुर के पास पड़ता है, जिसका मैं पीछे देख सकते हैं। ये रहा कौनीपुर के पास का कॉलेज, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं कि ये रहा बुधवाड़ा का कॉलेज, ये काफ़ी बड़ा कॉलेज है। देखिए गाइस कितना सुंदर कॉलेज यहाँ पे बनाया गया है। ऐसा हो गया कि भाई मतलब घर वालों ने मुझे जो है मंदिर भेजा नहीं, तो इस करके मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैंने घर वालों को बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन घर वालों ने मुझे नहीं भेजा। तो यार मतलब मैंने अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कोशिश की यार कि मुझे भेज दो, मतलब मैं रात को जाना चाहता हूँ मंदिर को, तो नहीं भेजा यार मतलब। तो गाइस फिर मैंने अपने दोस्त से जो है वीडियो मंगाई। तो गाइस मैं जो धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने दोस्त कुलदीप का, जिन्होंने मुझे ये वीडियो भेजी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है लोग जो कतार में खड़े हुए हैं और वो भगवान का दर्शन करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, और साथ में यहाँ पे पूजा अर्चना चली हुई है। और यहाँ पे जो है भीड़ भी इस वक्त ज़्यादा है, और जैसा देख सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं गाइस, जैसे कि यहाँ पे अंधेरा हो गया है और यहाँ पे अंधेरे में कितना खूबसूरत ये मंदिर लग रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे जो है मेरी मम्मी जो है भल्ले बना रही है और हम लोगों के लिए यहाँ पे जो है खाना लगा दिया मम्मी ने, और साथ साथ में जो भल्ले भी बना रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 थाली लगाई है, तो अब इन पर मेरी मम्मी जो है
घी डाल रही है, जैसे आप देखते हैं। और यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है मुझे इसे वीडियो मतलब वीडियो बनाने नहीं दे रही है, बड़ी मुश्किल वीडियो बनाई यार मैंने। तो गाइस चलिए मैं आपको वीडियो बताता हूँ जब मेरी बहन ने मुझे जो वीडियो बनाने नहीं दी। तो देखिए गाइस ये जो है नहीं बता रही यहाँ पे क्योंकि इसको शर्म लग गया है शो पे। और ये देखिए ठीक है। तो गाइस मुझे बल्ले के साथ जो है चावल खाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब हम सभी खाते हैं। तो गाइस मैं खाना खा लेता हूँ। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दे।